शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना महामारी से दो हाथ करने के लिए शहर के पुलिस द्वारा काफी अच्छा काम किया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस नागरिक समन्वय समिति के भारत के प्रधान समन्वयक प्रवीण जी राउत के हाथों कोविड योद्धाओं को सम्मान पत्र से नवाजा गया। इस मौके पर पदाधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस हमेशा ही अच्छा काम जनता के प्रति करता रहता है और कोरोना वायरस की रोकथाम और एवं जन जागृति करने के लिए आज भी उनके द्वारा काफी अच्छा कामकाज किया जा रहा है। ऐसे में कई पुलिस वाले भी कोरोना पॉजिटिव से जूझ रहे हैं। ऐसे में कई पुलिस वाले अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोरोना योद्धा के रूप में दो हाथ कोरोना संक्रमण से कर रहे हैं। ऐसे में नागपुर शहर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, इन्होंने अपने तमाम जवान पुलिसों के लिए उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उन्हें उनका मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर उन्हें बूस्ट दिया है, जिसके चलते जवान अपने अधिकारियों की तरफ से मिलने वाले बूस्ट से काफी उत्साही और ताकतवर बने हुए हैं। ऐसे में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए पुलिस प्रशासन दिन रात काम कर रही है। ऐसे कोविड योद्धा प्रमुख जो लड़ रहे हैं, ऐसे में पुलिस नागरिक समन्वय समिति के भारत के प्रधान समन्वयक प्रवीण जी राउत के हाथों शहर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, इनको सम्मान पत्र दे के कोविड योद्धा के नाम से उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, इन्हें लॉकडाउन के चलते कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव और इसकी रोकथाम करने के लिए पुलिस विभाग की ओर से जो कामकाज किया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। ऐसे में उन वॉरियर्स को सलाम करने के लिए शहर के एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण जी राउत, जो कि प्रधान समन्वयक है, उनके द्वारा एक स्मृति चिन्ह उन्हें दिया गया है। आखिरकार वो देने के पीछे का क्या उद्देश्य है ये जानते हैं इस समय हमारे साथ में प्रवीण जी राउत। प्रवीण जी, ये बताएं कि जिस तरह से वो जो आपने स्वच्छ सुंदर सुरक्षित यही हमारा देश है का नारा लगाते हुए उन्हें जो एक कोविड योद्धा प्रमुख के तौर पर जो जिसे नवाजा है, क्या कारण था आज आपने भूषण कुमार उपाध्याय जी को दिया? देखिए, ये कोविड महामारी के दरमियान बहुत सारे ऐसे घटक है जो शहर के लिए, समाज के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कार्यरत है। कुछ घटक लाइमलाइट में आ जाते हैं, प्रचार प्रसार में आ जाते हैं, कुछ घटक वैसे ही रह जाते हैं, वो काम करते ही रह जाते हैं। हमारे शहर में अगर कोविड 19 को कंट्रोल में रखा है तो एक घटक बहुत यानी अति महत्वपूर्ण घटक है, वो है पुलिस। क्योंकि माननीय अगर आयुक्त है कोई तो आयुक्तों को भी सुरक्षा अगर देता है कोई तो वो पुलिस है, नागरिक को भी सुरक्षा देता है तो वो पुलिस है, और कलेक्टर को भी, कमिश्नर को भी, मंत्री को भी सुरक्षा देता है तो वो पुलिस एक ऐसा घटक है। और वो पुलिस 24/7 पब्लिक के लिए अपनी खुद की सुरक्षा की परवाह ना करते हुए नागरिकों के लिए लड़ रहा है, कार्यरत है, सेवारत है। और वो पुलिसों के प्रमुख हमारे आदरणीय डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय साहब के, वो भी अगर वो डिसीजन मेकर, डिसीजन अगर समझो एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया तो इम्प्लीमेंटेशन की जवाबदारी उनके तरफ है, कानून एवं सुव्यवस्था रखने की जवाबदारी है, पब्लिक से रिलेशन मेंटेन करने की भी जवाबदारी उनके तरफ है। तो ऐसे कई जवाबदारियों के साथ उनको निभाना पड़ता है और वो अपनी भूमिका, अपनी जवाबदारी बहुत सक्षमता से निभा रहे हैं हमारे डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय साहब। हे प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, तो ये शहर को, ये देश को सक्षम रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमारे कोविड योद्धा प्रमुख करके हमने माननीय डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय साहब को सम्मानित किया है। और आप देख रहे हो कि हमारे साथ पूरा भारत है, महाराज जी, अब्दुल गनी जी, हमारे सिंह जी साथ है। तो एक शब्द में हमने हमारे शहर के जो मान्यवर शायर है आतिश कुमार, तो उनके चार लाइनें हमने, चार पंक्तियां पेश की कि कर्म का मान बढ़ाने वालों, ये सारे जो कोविड योद्धा है, डॉक्टर्स है, नर्स है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, हमारे जैसे बहुत सारे असंख्य कार्यकर्ता है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं, कुछ प्रदर्शित होते हैं, कुछ ना प्रदर्शित रहते हैं, तो सारे कोविड योद्धाओं के लिए ये चार लाइनें हमने पेश की है
कि कर्म का मान बढ़ाने वालों तुम्हें प्रणाम, कर्म का मान बढ़ाने वालों तुम्हें प्रणाम, अपना फर्ज निभाने वालों तुम्हें प्रणाम, झोंक के अपना जीवन संकट की अग्नि में। देखिए कई पुलिस वालों को कोरोना हो गया, कई डॉक्टरों को कोरोना हो गया, कोई सामाजिक कार्यकर्ताओं को कोरोना हो गया, कोरोना से निपटते निपटते। तो झोंक के अपना जीवन संकट की अग्नि में सबके प्राण बचाने वालों कोविड योद्धाओं को हमारा प्रणाम। सुनीत कुमार आतिश जी की ये लाइन के साथ हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, यही उक्ति के ऊपर काम करने वाले सभी कोविड योद्धाओं का सम्मान करने हेतु, आभार व्यक्त करने हेतु हम नागरिकों के तरफ से माननीय भूषण कुमार उपाध्याय जी का हमने कोविड योद्धा प्रमुख करके पुलिस नागरिक समन्वय समिति भारत की ओर से यह सम्मान किया है। धन्यवाद। जय हिंद। नागपुर शहर के सुरक्षा का जिम्मा जिम कमिश्नर पे है, ऐसे पुलिस कमिश्नर डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय और उनके तमाम पुलिस के जवान जिस प्रकार से शहर में जो कामकाज कर रहे हैं वो कोरोना वायरस को लेके एक नंबर कामकाज कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जान बचा रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं, ऐसे वॉरियर्स को सलाम करने के लिए प्रधान समन्वयक प्रवीण जी राउत द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इन बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।